Hello students, welcome to EduVision, an online learning platform. I am Neetu Gupta. I am here to teach you class 9 to 12th biology. Students preparing for boards, competitive exams like NEET and AIIMS can join me and subscribe my channel. You can also follow us on Facebook and Twitter. For my lectures, PDF and notes, join me on Telegram. My Telegram handle is t.me/guptaneetu and you can also search as Neetu Gupta EduVision Official. To see my previous lectures, click on I button. Today we will talk about agents of pollination. Okay, so what are agents? Agents means which carry something. तो यहाँ पर क्या होगा? Agents ऐसे होंगे जो कि carry करेंगे pollen grain को for pollination. ओके और इन पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से कहां होता है? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. अंडरस्टूड? सो पॉलिनेटिंग एजेंट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन. ओके सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एजेंट्स. अंडरस्टूड? तो एजेंट्स दैट कैरी पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, सो दीज एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक एजेंट्स मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट्स इसमें हम काउंट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जैसे इंसेक्ट, बर्ड, बैट. ओके सो एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं इसकी दो प्रोसेस होती है, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली. तो एनिमोफिली में पॉलिनेशन बाय एयर होता है, जिसके जिस प्लांट के भी पॉलन ग्रेन लाइट वेटेड होते हैं उनका अक्सर जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? एयर के थ्रू होता है. नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन थ्रू वाटर. तो इसमें क्या होगा, ज्यादातर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जितने भी ये प्लांट्स होते हैं इनके, उसमें हाइड्रोफिली इट मीन्स पॉलिनेशन थ्रू वाटर ही होता है. नेक्स्ट इज एंटोमोफिली. एंटोमोफिली इट मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन थ्रू बर्ड्स. कारोप्टेरीफिली इट मीन्स पॉलिनेशन थ्रू बैट्स. ओके कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो बैट्स होते हैं वो पॉलिनेशन कर सकते हैं. मेलिकोफिली पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स और स्लग. मिर्मेकोफिली इट मीन्स पॉलिनेशन थ्रू एंट्स. सो फर्स्ट इज पॉलिनेशन बाय विंड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमोफिली. ओके सो ये एक तरीके का एबायोटिक एजेंट होता है पॉलिनेशन का. ठीक है, तो ज्यादातर ये नॉन डायरेक्शनल होता है और वेस्टफुल प्रोसेस हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉलिनेशन होता है ठीक है वो अकर बाय चांस होता है. सो इसके जो स्टैमेन होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन होता है बाय विंड, तो उसके जो स्टैमेन होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं और उसके लॉन्ग फिलामेंट होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो. ठीक है, तो इसके जो स्टैमेन से आप देख पा रहे हो कि काफी लंबे हैं. ठीक है, इट इज ड्यू टू लॉन्ग फिलामेंट. ओके और ये वेल एक्सपोज्ड भी है. नेक्स्ट इज पॉलन. इसके पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं? लाइट, स्मॉल, नॉन स्टिकी, एक दूसरे से चिपकते नहीं है, ड्राई होते हैं, अनवेटेबल होते हैं. ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, आफ्टर डिहाइसेंस किसी फ्लावर से आपके क्या निकल रहे हैं बाहर, किसी एंथर से बाहर निकल रहे हैं आपके पॉलन ग्रेन. ओके सो दीज आर आप कह सकते हो हेयरी है, इसमें हेयर हेयर भी लगे हुए हैं. स्टिग्मा. स्टिग्मा कैसी होती है? लॉन्ग होती है, फेदरी, हेयरी और फ्लावर से बाहर की तरफ लटकती रहती है ताकि वो पॉलन ग्रेन को इजिली कैच कर सके जो विंड के थ्रू आते हैं. ओके सो एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो सकते हैं? मेज एंड ग्रासेस. नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय वाटर. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. ठीक है, ज्यादातर जो लोअर प्लांट्स ग्रुप होते हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इसमें मोस्ट कॉमन जो इसका पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है. ठीक है, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें रेयर ही होता है कि पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो. ओके ऐसी 30 जेनरा है जिसके अंदर पॉलिनेशन बाय वाटर होता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मोनोकोटिलेडंस. ठीक है, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो. ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो वाटर के लेवल से ऊपर आ जाते हैं और इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेट किए जाते हैं. अंडरस्टूड? सो हम इसके कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे जो सबमर्ज्ड फ्लावर होते हैं, इट मींस जो पानी में पूरी तरीके से डूबे होते हैं, जैसे वेलिसनेरिया, हाइड्रिला एंड जूस्टरा. ठीक है, तो इसके अंदर कैसे होता है पॉलिनेशन? बाय वाटर.
यहाँ पर वेलिसनेरिया का हम केस देख सकते हैं, ठीक है। जो वेलिसनेरिया का मेल फ्लावर होता है, जैसे ये मेल फ्लावर है, तो ये क्या होता है, ये वाटर के सरफेस पे रिलीज हो जाता है, और जो फीमेल फ्लावर होती है वो सरफेस ऑफ वाटर पर आ जाती है, और वहां पर इनका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। इट मींस जो वाटर के सरफेस पे जो पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपी हाइड्रोफिली। तो वेलिसनेरिया के केस में एपी हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है सी ग्रास एंड जूस्टेरा। इसके अंदर क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो काफी रिबन लाइक होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वहां तक पॉलन इजिली चले जाते हैं और वहां पर पॉलिनेशन हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ओके, सो ये जो फ्लावर्स होते हैं जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, इसमें नेक्टर ऑर्डर एब्सेंट होते हैं, स्टिग्मा काफी स्टिकी होते हैं, ठीक है, और अनवेटेबल होते हैं क्योंकि इन्हें पानी में रहना होता है। अगर इसमें म्यूसिलेज की कोटिंग होती है, अंडरस्टूड। सो पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी एंड कोटेड बाय वैक्स। जो इसके पॉलन ग्रेन होते हैं वो काफी लाइट वेटेड होते हैं, स्मॉल होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, प्लस वो म्यूसिलेज से कोटेड होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटोमोफिली। मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट हनी भी होती है, ठीक है। जिन फ्लावर्स से ये नेक्टर लेती है उनके पेटल्स काफी लार्ज होते हैं, कलर्ड होते हैं, और एक तरीके का उसमें सेंट प्रेजेंट होता है जो कि हनी बी को या फिर अदर इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो इन फ्लावर्स के अंदर नेक्ट्रीज प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं, इनके जो स्टैमेन होते हैं फ्लावर के, वो स्टैमेन एंड स्टिग्मा वो फ्लावर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो काफी कम अमाउंट में होते हैं, राउंड होते हैं, और उनके अंदर से कुछ प्रोजेक्शंस निकले होते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट से इजिली स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रोज, सनफ्लावर एक्सेट्रा। आपने देखा होगा इनकी जो पेटल्स होती हैं काफी कलरफुल होती हैं, और इनमें एक तरीके का सेंट भी होता है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। कुछ नेक्टर रोबर्स भी होते हैं, इट मींस वो आते तो हैं फ्लावर के ऊपर और सिर्फ वो नेक्टर लेकर चले जाते हैं, पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। सो दे आर जस्ट रोबिंग और स्टीलिंग द नेक्टर एंड पॉलिनेशन नॉट अकर। सो नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ओके, सो जो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो साइज में बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, ठीक है। तो उनके पेटल्स या कोरोला ट्यूबुलर या फनल शेप की होती है, इससे हेल्प मिलती है बर्ड्स को इजिली नेक्टर को सक करने में। ओके, सो द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, ब्लू, येलो, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, इस पिक्चर में, ठीक है। और इसमें ट्यूबुलर शेप की क्या है, ये इसके पेटल्स हैं, ठीक है। तो ये जो ट्यूबुलर शेप की, फनल शेप की होती है ये पेटल्स, इसके अंदर नेक्टर भरा होता है और इजिली इसे बर्ड सक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर्स होते हैं ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, डिफरेंट कलर के होते हैं, तो वो बर्ड्स को बहुत दूर से ही अट्रैक्ट कर लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से। एग्जाम्पल इसका है हमिंग बर्ड। जैसे कि हमिंग बर्ड किसी फ्लावर पर नेक्टर को सक करने के लिए जाता है और उसे पॉलिनेट कर देता है, ठीक है। तो बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हम देख सकते हैं कोरल ट्री में, बॉटल ब्रश में, मोनोस्पर्मा एंड सिल्क कॉटन ट्री। नेक्स्ट इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कायरोप्टेरोफिली। ओके, सो बैट्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल फ्लाइंग मैमल्स होते हैं, और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन्स को काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाने की, ठीक है। जो ये जिन फ्लावर्स पे विजिट करते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, डल कलर के होते हैं, और उसमें काफी स्ट्रॉन्ग सेंट प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स के कंपैरिजन में ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। सो बैट्स के थ्रू जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है, एडेंसोनिया एंड किजेलिया, ये इसके एग्जांपल है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पॉलिनेशन। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर्स नोटिफिकेशन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। See you in next lecture. Study well, prepare well. Best of luck.